तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज बहुत टाइम बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी। तो ये देखिए, ये हमारी मैक्रोनी है। ऐसा कर करके ना सब फेंको। ये मैक्रोनी है और ये है हरी प्याज। और सर्दियों में मतलब ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है और ऐसी चीज़ें इंसान को खानी चाहिए। और ये है बहुत लजीज, इसको ऐसे ऐसे मार मार के इसके जम्स आप मार सकते हैं। और वो अलग बात है कि ये टूट सकती है, कोई बात नहीं, टूटी जाती है ये। पेड़ में ऐसे ही तो हम ऐसे ही तो नहीं निकल सकते हैं ना। तो ये शिमला मिर्च है, अभी हम इसको कटिंग करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे ठीक है। और मेरी अम्मा जो है ना, वो गोश्त भी कटिंग करेगी। वो कटिंग करने के बाद हम इस मैक्रोनी को पहले उबाल लेंगे। इसको उबालने के, ओहो मेरा पाली मेरे मुंह में आ रहा है गंद। इसको उबालने के बाद हम मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करेंगे। किसी को खानी है? कच्ची मैक्रोनी भी खाई जाती है, पता है आप लोगों को? कभी ट्राई करना, मैं तो खाती हूँ। नहीं यार मजाक करें, झूठ बोल रही, मैं नहीं खाती हूँ। तो जी ऐसे शिमला मिर्च कौन कौन काट लेता है मुझे ज़रूर बताना। मेरे जैसी माशा अल्लाह से नज़र मत लगाइएगा, इतनी प्यारी शिमला मिर्च काटते हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और ऐसी हरी प्याज कौन काटता है बताइएगा। तो मेरे अम्मी कहती है कि मैं थोड़ा छोटा छोटा काट रही थी, मेरी अम्मी कहती है थोड़ा बड़ा बड़ा काट दे, जो इसके छिलके हैं ना। मेरी अम्मी को ना दांतों में फंसने वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है मेरी अम्मा को, तो इसलिए मेरी अम्मा कह रही थी कि ये थोड़ा बड़ा काट ताकि दांतों में आसानी से फंसे। तो जी अब हम इसको रखेंगे साइड पर। अब मैक्रोनी उबालने चली गई है मेरी अम्मा, गोश्त भी कटिंग हो गया है। और अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके आपको दिखाते हैं। तो जी ये गोश्त भी कटिंग हो गया है, अभी इसको उबालना बाकी है। बस उबालने के बाद इसको ऐसे ही पोटियाँ पोटियाँ डालेंगे अंदर, ऐसे ही मज़े का लगेगा। आज हम ऐसे बना रहे, वरना हम गोश्त का ना लच्छा लच्छा करते बिल्कुल, आज ऐसा नहीं बना रहे। खाएंगे आप कच्चा गोश्त, किसको पसंद है ये लीजिए, टेस्ट करके बताइएगा। कच्चा गोश्त बड़ा मज़े का होता है, खाएगा कभी? ये नहीं खाना? तो जी ये आ गया है चिल्ली सॉस, सोया सॉस है ना, किधर नाम ज़रा पड़े तो। हाँ ये रहा चिल्ली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका। ये भी अच्छा होता है। तो जी ये अदरक लहसुन हो रहा है, और ये मैक्रोनी उबाल के निकाल ली है, यमी। कौन कौन खाता है कच्चे मैक्रोनी? मुझे बड़ी पसंद है, यमी कच्चे नहीं है। अब गोल डाल लेंगे हम इसमें जो पीसेस किए थे हमने। थैली जो मैंने फेंकी थी उठा लूं। ये इसमें हमने केचप डाला है और अब हम ये डालेंगे आधा आधा। इसकी तू बना ली, इसकी तू
और ले लें हरी प्याज और शिमला मिर्च। ये जो मैंने आप लोग को बताया था, मैंने खा रही है, ये जो मेरे अम्मा के दांतों में फंसते हुए हरी प्याज वो है। और अब हम ये डालेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये सिरका डाल रहे हैं, पूरी आधी बोतल डाल रहे हैं। थोड़ा सूज डाल दिए, वाह खून का कलर हो गया। इसको मिक्स करेंगे, फिर आपको काला पानी बन गया है। जिस किसको काला पानी पीना है तो आप पी सकते हैं। अब हम ये इसको एंड में डालेंगे। चल देख लिए।